सुबह के 4 बज गए और तुम अब आ रही हो। अपनी हालत देखो, क्या हालत बना रखी है, कहाँ गई थी तुम? सुगनी बताओ तो। रात भर तुम साहिब के साथ थी ना? थी कि नहीं? ये पायल नहीं, साहिब के पाप बच रहे हैं। ये छन छन सारी करतूतें बयां कर रही है उस भेड़ने के भी और साहिब के भी। साहिब के पापों से तो बाद में निपटेंगे, पहले इस पेड़ने का हिसाब किताब किया जाए। आखिर आई गई अपनी औकात पर, अब उसका मुखौटा नोच कर उसकी असलियत और उसकी औकात घसीट कर सबके सामने लाएंगे हम। जो गाना तुम गाने वाली हो रही, वह उसकी धुन हम ही ने बनाई। बीवी अगर शक की हो तो उसका ढंग से इस्तेमाल करना आना चाहिए, वरना बहुत परेशानी हो जाती है। पायल जी, जी पायल आपके पास? ये पायल हमें हमारे पति की जैकेट की पॉकेट से मिली है। अब कल रात जो हुआ वो तो साफ है। अब इससे पहले कि तुम कोई भी बहाना बनाओ, कोई झूठ बोलो, तुम्हारी पेड़ने की भाषा में सीधे धंधे की बात करते हैं। कल रात जो तुमने हमारे पति की नापाक सेवा की है, ये उसकी दिहाड़ी है। अपनी एक रात की कीमत बटोरो और निकलो यहां से, समझी? हम जानते हैं साहिब ने तुम्हें तुम्हारा मेहनताना दे ही दिया होगा, पर ये पैसे इस बात की गारंटी है कि इसके बाद तुम्हें हमसे या हमारे पति से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, समझी? तो इसके बाद ऐसी कभी कोशिश भी मत करना। तो अपना सामान उठाओ और इस घर से चली जाओ। और अगर तुम नहीं गई सुननी तो तुम्हें जो इस रात की कीमत अदा करनी पड़ेगी उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। तुम्हारा पति, जिसे ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि तुम उसे अपना परमेश्वर मानती हो, और वो बेवकूफ तुम्हें देवी समझता है, जब तुम्हारा असली चेहरा दिखेगा तो सोचो जरा क्या गुजरेगी बेचारे पर। और
और उसके बाद जो तुम्हारे प्रति उसका बदलाव होगा उससे हमारा तुमसे हिसाब भी पूरा हो जाएगा। आखिर तुम्हें भी तो तजुर्बा हो। पति की नफरत का जायका कैसा होता है? रीवा ठुकराए, मुझे ना आपकी माफी चाहिए और ना ही ऐसा। आपसे पहले भी कह चुका हूं और आज दोबारा कह रहा हूं, मेहनत करके आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। अरे क्यों इतने उतावले हो रहे हो आदित्य? अब फिर वही पुरानी बहस लेके बैठ गए थे भाई। सबकी सारी मंशाएं पूरी हो रही थी तो हमने सोचा तुम्हारी भी पूरी कर दें, तुम भी थोड़ा जश्न मना लो। हम तो मना ही चुके हैं। मतलब क्या है आपका? अरे हमने तुमसे अपनी कौन सी इच्छा छुपाई है? अपने आप से सवाल पूछो, जवाब मिल जाएगा तुम्हें। अब हम आपसे क्या बात करें, क्या समझाएं आपको? कि आपकी बातों में सब तो होते ही नहीं है, सिर्फ गिनती होती है। आपका खगो में नहीं, एक दो तीन में बातें करती है, और इस तरह से बात करने वालों के शब्द को उसमें पीड़ा, दर्द, कुर्बानी, ये सब तो होता ही नहीं है। आप सिर्फ पैसों के लिए जीते हैं, हम पैसों से ऊपर। इसलिए हम आपको नहीं समझा सकते कि हमने ये सब अपने पति के लिए किया था। ये आपकी गीता है और हमारी गीता भगवत गीता है। जो कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए, किस बात के लिए इतना खुश हो रहे हैं? खुशों की जांच पड़ताल करना जरूरी नहीं है आदित्य। खुशी जिस भी रूप में जहां पे जितनी भी मिले ना, खुश हो जाना चाहिए। ये जांच पड़ताल होना जरूरी है साहब? आदित्य को भी तो पता चले कि सच्चाई क्या है। हम बताते हैं तुम्हारे मामा जी की इस ना संभलने वाली खुशी का राज क्या है। क्यों? राज को राज ही रहने दो रीवा। कहते ना, सन कहा हमेशा ज्यादा रोमांटिक होता है। अभी तुम्हें अभी भी कह रहे हैं, खुशियों का कारण जानने की कोशिश मत करो, समय बर्बाद होगा फालतू में। खुशियां मना लो। पर आदित्य को पता तो चलना चाहिए आपने जो लोन माफ किया है। हमने उस कर्जे को तोहफे का नाम दिया, ज्यादा खूबसूरत लगता है। और जब तक दिमाग लगाने की जरूरत ना हो तब तक अपने दिमाग को ज्यादा तकलीफ मत दिया करो। अगर जिंदा रहना है तो उसके लिए दिल ही बहुत है। अदि प्रवेश करो अपने मामा के राज में, सॉरी राज में। मामा जी, मैंने आपकी सारी बातें सुनी, आपकी दलीलें भी और आपकी शिकायतें भी।
फिर भी आपका ये तोहफा ठुकराता हूं। जो कर्ज है वो बना रहेगा और मैं उसे उतारूंगा, एक एक पाई चुकाऊंगा, लेकिन अपनी मेहनत के पैसे से। चाहे मुझे कोई भी काम करना पड़े, हमें ये खेल ना कभी समझ में आया है और ना ही आएगा। झूठ और छल हमसे नहीं होता। मालक को सच्चाई कितने और से पता चले, इससे पहले हमें खुद जाकर उन्हें बता देना चाहिए। हमें हिम्मत जुटानी ही पड़ेगी, मौका ढूंढकर उन्हें सच बता देंगे, फिर वो जो फैसला ले। ये एक सबूत तुम्हारे हाथ में लगा, दौड़ पड़ी हो झंडे गाड़ने के लिए अपना। इतनी उतावली क्यों हो? पेशेंस, पेशेंस इज अ वर्च्यू, समझो इस चीज को। इतना उतावलापन अच्छा नहीं है। आप अपनी चिंता कीजिए साहब, और हमें अपनी करने दीजिए। आपकी जो ये करतूते हैं ना, आज नहीं तो कल आदित्य को पता चल ही जाएंगे। हम खुद बताएंगे उसे। अच्छा, तुम्हारे ठकुरैती के दिन लगता लद गए। ठीक है, जिस दिन आदित्य को ये बात बताओगी, अपने उस वो नाकारे भाई को, वो क्या नाम है उसका, निरंजन, उसको भी बुलवा लेना, काम आएगा। उन्हें क्यों? क्यों? अरे जब हमसे तलाक मिलेगा तो इस घर से अकेली जाती हो, अच्छी लगोगी तुम। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे भाई का साथ होना चाहिए ना, वो साथ में लेके जाएगा तुम्हें। आप ऐसा नहीं कर सकते साहब। हम ऐसा कर सकते हैं रिवा, अगर तुम्हें लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, तो इतने साल से हवेली में रह के तुम हमें जान नहीं पाए बिल्कुल भी। तुम जितना सयाना खुद को समझती हो ना, उतनी हो नहीं। ऐसे बेवकूफी तो नहीं कर सकती, और वो भी शादी से पहले। सीता मैया की कसम, हम कोई कहानी नहीं गढ़ रहे। दिग्विजय ठाकुर मालक फू का पूरा फायदा उठा रहे हैं। हम अपने कानों से सुने हैं, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई थी वो फू को बर्बाद कर देंगे। ये सुगनी, तुम ही उनको बचा सकती हो, फू से बात करो ना। अरे हम बात कर चुके हैं, समझा चुके हैं उन्हें एक बार, लेकिन वो तो जैसे दिग्विजय के खिलाफ एक सब नहीं सुनना चाहती। पता नहीं क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें तो लगा था कि वो ठकुराइन खुद ही बहुत समझदार होंगी। निका पता था कि प्यार के नाम पे इतनी जल्दी मत्ती भ्रष्ट हो जाएगी उनकी। देख सुगनी, अगर कुह को कोई बचा सकता है तो वो तुम ही हो। हाँ मम्मी, लेकिन कैसे? तो हम जानते हैं कि कुह और तुम्हारा रिश्ता कुछ खास नहीं है, पर एक तरफ तो यहाँ कुह के साथ तुम्हारा रिश्ता है, और दूसरा रिश्ता है दिग्विजय और उसके परिवार के साथ। अगर तू जाकर उन लोगों से बात करे तो देख, माना दिग्विजय तेरी बात नहीं सुनेगा, पर शायद ज्वाला ठाकुर तेरी बात सुन ले। अरे काहे यहाँ खड़ी हो? बोला ना बेड़नियों का अंदर आना मना है, बात समझ में नहीं आ रही है क्या? देखिए, हमें ज्वाला ठाकुर से बहुत जरूरी काम है, अब उन्हें बताइए तो सही कि हम आए। नहीं नहीं, चलो जाओ यहाँ से। अरे हम आपसे कह रहे हैं, हमें बस एक बार उनसे बात करने दी। क्या पंचायत चल रही है वहाँ? कौन है? क्यों चली आई? ना आते, लेकिन आना पड़ा। क्यों?
तुम्हारे यहाँ से कोई न्योता गया था? नहीं, आपके होते से एक पाप आया था जिसकी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है ताकि आप उस पाप को रोक सके। ये बेड़नी का मुखौटा ओढ़कर कौन ठकुरा इन हमारे दरवाजे पे आ गई है भाई? चेहरा बेड़नी का, हाव भाव सुर ताल देवर ताम तो ठाकुरों के हैं, क्या उल्टा है? इधर शेर की खाल पहनकर हमारे दरवाजे पे आ गया है। अरे कोई इसे बताओ, बताओ, ठाकुर विक्रम सिंह के घर में किसी सदस्य से शादी करने के बावजूद ये बेड़नी है? बेड़नी कहीं की उससे ये भी बताओ, इस हवेली में ठाकुरों को जो मान सम्मान आम भगत मिलता है इसे नहीं मिलेगा, बताओ इसे। बेड़नी कहीं की, आप जितने प्रसिद्ध हैं ज्वाला ठाकुर, हम आपको उससे ज्यादा ही जानते हैं, इसलिए आप हमारा अवभगत ना ही करें तो अच्छा है, बल्कि करेंगे भी तब भी हम उसे ठुकरा देंगे। और वैसे भी आपसे इतने जो मिलने आए वो ना कोई बेड़नी है और ना ही कोई ठकराई, वो एक ननन की भाभी, और वो जिससे मिलने आई है वो कोई ठाकुर नहीं, सिर्फ एक बदसात बेटे का बाप है। कहा तुम्हारा है और हमसे बात करने से पहले अपनी जूतियां हाथ में उठा, तू भूल गई है कि तू बेड़नी है लेकिन हम नहीं भूले, उठा। आपसे कछु मांगना था। क्यों, जूतियां उठाते ही औकात में आ गई है? ये मांगने की फितरत तुम बेड़नियों की जाएगी नहीं, लगो में दौड़ रहा है तुम लोगों। ये अलग बात है, तुम्हारी माँ ने पैतरा खेल कर तुम्हें ठाकुर परिवार का बहू बना दिया, लेकिन इतना याद रखना कूड़ा कचरा जहां भी जाता है बदबू ही फैलाता है। अब हमें कूड़ा कहकर हमारे पिता का अपमान मत करिए, आपको पता तो है ना कि हम किसकी संतान हैं। बात इतने आपकी दूसरी संतान की है, दिग्विजय, वो काका गंदगियां फैला रहे तो जरा उस पर ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि लौट कर वो आप ही के घर में वापस आ जाए। अरे बेटे के बारे में ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वैसे ही जैसी हिम्मत अब आपको जुटानी है अपने बेटे के कुकर्मों को देखने के लिए।